ठीक है। देखिए उसके बाद इम्पॉर्टेंस है सेल थ्योरी की, के सेल थ्योरी की बेसिकली तौर के ऊपर इम्पॉर्टेंस होगी क्या आपके पास। ठीक है, देखिए इट ब्रॉट ग्रेट रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, के सेल थ्योरी की वजह से ग्रेट रेवोल्यूशन आई बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर। एंड इसके अलावा अगर मजीद देखें तो इट ऑल्सो प्रूव दैट द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल फंक्शन, के बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसके अंदर जितने भी फंक्शन हैं या फिर जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो किसकी वजह से होती है, बाय द इंटरेक्शन ऑफ सेल यूनिट्स। सेल यूनिट से मुराद क्या है, सेल यूनिट से मुराद ये है ऑर्गेनल्स ऑफ सेल, ऑर्गेनल्स ऑफ सेल। जैसे ऑर्गेनल्स ऑफ सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑर्गेनल्स ऑफ सेल्स हैं। ये आपस के अंदर इंटरेक्शन करते हैं, अपने पर्टिकुलर फंक्शंस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तभी एक सेल अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाता है। ठीक है, देख लें फिर इसके बाद अब माइक्रोस्कोप के ऊपर चलते हैं। माइक्रोस्कोप क्या है, मैं इसको साफ कर रहा हूं, साफ कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया तो साफ कर दूं, जल्दी से ले लें स्क्रीनशॉट, ले लिया ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोप को, कि माइक्रोस्कोप क्या है। देखिए माइक्रोस्कोप को बेसिकली क्या कहा जाता है, कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, द इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म, के एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किस लिए यूज होगा। माइक्रोस्कोप को डिस्कस करते हैं, माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू ऑब्जर्व, चैट खुला हुआ, चैट बॉक्स ठीक है, तो ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्मॉल स्मॉल बॉडीज, ऐसी स्मॉल बॉडीज जो आपको नॉर्मल या नेकेड आई से नजर ना आए। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप का आपको पता चल गया क्या है। अब काइंड्स ऑफ माइक्रोस्कोप के काइंड्स कितनी है, देखिए तीन काइंड्स है, काइंड्स ऑफ माइक्रोस्कोप, सिंपल टॉपिक है बहुत ज्यादा। देखिए तीन काइंड्स हैं माइक्रोस्कोप की, थ्री काइंड्स, ठीक है, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपली इसको पढ़ाऊंगा आप समझ जाइएगा, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये। नंबर वन आपके पास लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है, नंबर टू एक्सरे माइक्रोस्कोप, और नंबर थ्री इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, तीन माइक्रोस्कोप है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसको, लाइट माइक्रोस्कोप को। ठीक है, अब देखिए इन दिस माइक्रोस्कोप, लाइट जो है, लाइट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। इस माइक्रोस्कोप में कौन यूज होगा, लाइट एज अ सोर्स यूज होगी। आप अपनी लैब के अंदर भी, फर्स्ट ईयर इंटर नाइन मैट्रिक के अंदर भी आप इनको अपनी बायो की लैब के अंदर यूज कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके अंदर भी दो काइंड्स हैं, दो काइंड्स कौन कौन सी हैं, एक है आपके पास सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है, सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप, और दूसरी कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप है। देखिए इन दिस माइक्रोस्कोप ओनली वन लेंस, ओनली
only क्या one lens is used. ठीक है, इस माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक लेंस यूज होता है. आप देखते थे कि बड़ी सिंपल टाइप की होती थी, अगर आप देखें कुछ इस टाइप की इसकी शेप हुआ करती थी. जैसे कि सपोज करें क्योंकि ऐसे आपने अपनी बायो की लैब में भी इसको क्या किया होगा, बेसिकली तौर के ऊपर यूज किया होगा इस टाइप से. ठीक है, अच्छा ये इसका यानी कि अच्छा इसके यहाँ पर एक क्या होता था, इस तरीके से मरर हुआ करता था और यहाँ पर इसके क्या हुआ करता था, स्टेज हुआ करता था. ठीक है, तो देखिए यहाँ से इसको ऑब्जर्व किया करते थे, इसकी जो है मैग्निफिकेशन के लेंस हुआ करते थे, मैग्निफिकेशन के लेंस, मैग्निफिकेशन लेंसेज होते हैं. ठीक है, लेंसेज होते हैं, ये इसका क्या कहलाता था, स्टेज, ये स्टेज था और यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ करता था, मिरर. अब आप क्या करते थे कि इसको उठा के ले जाया करते थे और ले जाने के बाद देखेंगे इसका लेंस है, ये इसका लेंस है, ये इसका लेंस है. इसको उठा के ले जाया करते थे और मिरर को, मिरर को क्या करते थे, थोड़ा सा लाइट की तरफ करते थे, रिफ्लेक्शन होता था कि मिरर के ऊपर लाइट पड़ती थी इस तरीके से और पड़ने के बाद फिर कहाँ जाती थी, स्टेज के ऊपर, स्टेज के ऊपर. और यहाँ स्टेज पे आप कोई भी स्लाइड रखते हैं और फिर उस स्लाइड के ऑपर लाइट पड़ती थी तो आप उसको क्या किया करते थे, ऑब्जर्व किया करते थे. ठीक है, तो ये सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप है जो आपने नाइन्थ में भी यूज की होगी और उसके अंदर सिर्फ एक ही लेंस हुआ करता था. लेकिन अब जो माइक्रोस्कोप आ रही है उनके अंदर एक से ज्यादा लेंस होते हैं. यहाँ पर इस तरीके से देखें, एक लेंस ये आ गया, एक लेंस ये आ गया, रिवॉल्विंग नॉक्स पीस जिसके अंदर रिवॉल्विंग लेंसेज लगे होते थे. अब उनके अंदर लेंस आप देखते हैं, कोई 10x का होता था, कोई 100x का हुआ करता था, कोई आपके पास 1000x का, कोई 10,000x के करीब. x क्या है, इनकी मैग्निफिकेशन को शो करते हैं, x क्या है, इनकी मैग्निफिकेशन को शो करते हैं. तो अब हम क्या करते थे, अब हम क्या करते हैं, अच्छा ये ऊपर वाले लेंस ये भी क्या होते हैं, चेंजेबल होते हैं लेंसेस. आपने बायोलॉजिकल साइंसेस में या बायोलॉजिकल लैब में यूज किया होगा, ये भी चेंजेबल होते हैं. और यहाँ पर इसके पास इस तरीके से अगर यहाँ पर आप देखें तो साइड के ऊपर इस तरीके से एक क्या होता था, रिजॉल्विंग नॉक्स पीस हुआ करता था. उसको आप मैग्निफिकेशन के लिए या उसको आप फाइननेस के लिए क्या करते थे, यूज करते थे. इसको यहाँ से घुमाया जाता था और ऑब्जेक्ट नजर आता था. तो सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ वन लेंस होता था, अब मैंने यहाँ तीन लेंस बना दिए. ठीक है, तकरीबन तीन से चार लेंस, तीन होते हैं और उसको आप नीचे से क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं. आपने देखा होगा अगर वो घूमता है हम लेंसेस को चेंज कर लेते हैं. ठीक है, जब हम एक लेंस की तरफ करते हैं और हमें कोई चीज नजर नहीं आती तो हम फिर उसके एक्स बढ़ा देते हैं, 100x पे चले जाते हैं, 1000x पे या फिर 10,000x के ऊपर जाते हैं, फिर भी नजर नहीं आता, फिर ऊपर वाले लेंसेस को भी हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं ताकि वो मैग्निफाई हो. मैग्निफाई, मैग्निफाई किसको कहते हैं, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लेंस को कहा जाता है, मैग्निफिकेशन का नाम देते हैं. जितना है आपके पास क्या है, लेंस की मैग्निफिकेशन ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा आप स्मॉलेस्ट चीज को आसानी के साथ में क्या कर सकेंगे, ऑब्जर्व कर सकेंगे. ठीक है, तो आपने ये माइक्रोस्कोप यूज की होगी. ठीक है, इसमें क्या करते थे कि इसको घुमा लिया करते थे और ये लेंसेज 1, 2, 3 इस टाइप के लेंसेज होते हैं, रिवॉल्विंग हुआ करता था, मूव करता था. और अब जो स्पेसिफिक यानी कि चाइना टाइप की जो माइक्रोस्कोप आ रही है, अब उनके अंदर ये मिरर नहीं हुआ करता था, मिरर उनके अंदर ये नहीं होता था अब उनके अंदर, बल्कि यहाँ पर क्या दिया जाता था, यहाँ पर एक लाइट दी जाती थी, एक बल्ब हुआ करता था, उसका वायर हुआ करता था, वायर होता है, उस वायर को आप लगा देते तो यहाँ पे एक बल्ब जो है वो जलना शुरू हो जाता है येलो कलर का. ठीक है, अब बल्ब को भी कम और ज्यादा करने के लिए यहाँ पर एक बटन होता था, एक रेगुलेटर होता था, जैसे आप फैन के अंदर देखते हैं ना कि रेगुलेटर होता है, उसकी स्पीड आप फैन डाउन कर लें, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी बल्ब की रोशनी अगर आपको कम करनी है तो आप उसको कम कर दें या घुमा के आप उसको रिवॉल्व करता है उसको कम या ज्यादा कर सकते थे. तो अब देखिए इससे कितनी आसानी हो गई, यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कि एक तो लेंसेज पड़ गए इसके अंदर, फिर दूसरा यहाँ पर क्या आ गया, एक बल्ब दे दिया. अब आपको वहां, अब नहीं तो पहले जो सिंपल माइक्रोस्कोप थे उसको लाइट की तरफ, किसी विंडो की तरफ आप रखते थे ताकि मिरर होता था, लाइट रिफ्लेक्ट हो और स्टेज के ऊपर आपको इमेज नजर आए. लेकिन अब इसके अंदर आप इसको किसी भी बंद कमरे के अंदर, बंद रूम के अंदर या ऐसी जगह पर जहां लाइट ना आ रही, अब तो लाइट का इशू ही नहीं है. आपने उसका वायर लगाया इलेक्ट्रिसिटी के साथ, ऑन किया, नीचे बल्ब जलना शुरू हो गया स्टेज के नीचे. अब वो बल्ब की लाइट स्टेज पे पड़ती है, स्टेज के अंदर एक होल होता है और फिर वो लाइट किसके ऊपर, स्लाइड के ऊपर या आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रही होती है, जिसके थ्रू आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप मैंने बताया, फिर सिंपल माइक्रोस्कोप को ही मैंने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर कई लेंसेस लगा दिए. ठीक है,
सेकंड देखें, अब जो आपने अपनी लैब में यूज की थी ऐप वाले काउंटी की, तो मैंने कहा आज तक लैब ही नहीं देखी कैसी है क्या है क्या नहीं है, ना कभी प्रैक्टिकल वर्क करवाया, लेकिन ऐप के जो स्टूडेंट्स है बेटा आप जो यूज किया करते थे आपने स्लाइड्स देखी होंगी ठीक है ना, मुख्तलिफ किस्म की पैरन कायमा, कॉलन कायमा, स्कैलन कायमा, या फिर चेक के अंदर आपने टेस्टिस की ठीक है, इनकी जो स्लाइड्स देखी होंगी, या एनिमल्स की आपने स्लाइड्स देखी होंगी, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमेटोमोनास, इनकी ये जो आप माइक्रोस्कोप यूज किया करते थे वो ये वाली माइक्रोस्कोप थी, और उसको हम किसका नाम दे रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सिंपल का टाइम खत्म हो गया, बहुत ओल्ड माइक्रोस्कोप है सिंपल, बहुत ओल्ड है। अब मोस्टली कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और जब से चाइना मार्केट के अंदर आया है तो पहले तो बहुत एक्सपेंसिव हुआ करती थी, लेकिन अब सब मेड इन चाइना आपको इजिली वे के अंदर आसानी से 4-5 thousand के अंदर ये माइक्रोस्कोप क्या हो जाती है, मिल जाती है। तिलकचाड़ी के ऊपर आप जाए ना तो कई आपको साइंटिफिक मेडिकल स्टोर्स नजर आ जाएंगे, वहाँ पे अलबेरूनी के नाम से भी है और सीना इब्न सीना के नाम से भी है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा अक्सर यहाँ पे चक्कर लगता रहता था कोई ना कोई साइंटिफिक स्लाइड्स ठीक है। तो बहरहाल कंपाउंड में कहाँ पहुंच गया, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप, बहरहाल वहां पे कई चीजें आपको मिल जाएंगी, अगर आपको कोई लेनी हो तो वहां चले जाइएगा। नहीं भाई मेरा कोई कमीशन नहीं है उसके अंदर, मेरा कोई कमीशन नहीं है, मैं साफ सुथरा इंसान हूँ, कमीशन पे काम नहीं करता, सैलरी पे काम करता हूँ। अच्छा देखिए, इन दिस माइक्रोस्कोप मोर देन वन लेंस यूज्ड ठीक है, सिंपल इस माइक्रोस्कोप में एक से ज्यादा लेंसेस क्या होते थे, यूज हुआ करते थे ठीक है। अच्छा चले अब उसके बाद, ये तो था सिंपल और कंपाउंड, सिंपल एक लेंस, कंपाउंड एक से ज्यादा लेंस ठीक है। अब उसके बाद एक्सरे के ऊपर जाते हैं कि एक्सरे माइक्रोस्कोप क्या है, मैं डायग्राम को साफ कर रहा हूं, सिर्फ डायग्राम को साफ कर रहा हूं। मुझे नहीं पता अब नाइन्थ के अंदर क्या है, लेकिन जब मैं नाइन्थ के अंदर पढ़ा करता था तो हम पहला प्रैक्टिकल ही माइक्रोस्कोप से स्टार्ट किया करते थे, उसकी डायग्राम, उसके पार्ट्स ये हुआ करते थे। खैर अच्छा जी, एक्सरे माइक्रोस्कोप, अब एक्सरे माइक्रोस्कोप को देखते हैं कि ये क्या है। देखिए इन दिस माइक्रोस्कोप ठीक है, इस माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होगा, शॉर्ट वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज, शॉर्ट वेवलेंथ चले एक्सरेज आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, के इस माइक्रोस्कोप के अंदर आप शॉर्ट वेवलेंथ, इसकी शॉर्ट वेवलेंथ को यूज करते हैं, एक्सरेज की शॉर्ट वेवलेंथ को यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एलिमिनेशन। यहां सोर्स क्या थी, लाइट थी, इसके अंदर सोर्स क्या है, एक्सरेज है, इसके अंदर सोर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन बीम्स होंगे ठीक है, रेडिएशन बीम्स निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स के ठीक है। तो देखें इट इज अ वेरी एफिशिएंट, ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट माइक्रोस्कोप थी ठीक है। अच्छा ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट माइक्रोस्कोप थी, और इसके अंदर क्या है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल आप ऑब्जर्व कर सकते थे। इजली ऑब्जर्व, ये तो आपकी बॉडी के आर पार भी दिखा देगी क्या चीज है, एक्सरेज ठीक है, एक्सरे करवाया ना, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, कोई फॉल्ट हो जाए स्टमक में, किडनी में, या फिर इंटेस्टाइन के अंदर, तो आप देखें अल्ट्रासाउंड होता है, इतने ज्यादा एफिशिएंट है ये, क्योंकि इसके अंदर शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज को यूज किया जा रहा है। इवन जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसके अंदर वो फिफ्थ या सिक्स मंथ के अंदर आप इस चीज को, इसके यानी कि इन रेडिएशन में, एक्सरेज की बात कर रहा हूं, इनके थ्रू आप मालूम कर सकते हैं कि डॉटर है या सन है। आप देखें ना
कि आपकी अगर बॉन्स क्रैक हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो एक्सरे करवाया जाता है और वो देखें एक्सरे बिल्कुल आपके अंदर का स्कैन करके ले आता है। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि जब ये शॉर्ट वेवलेंथ, छोटी सी वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ एक्सरेज की जब यूज की जाती होगी तो सेल का स्ट्रक्चर कैसा नजर आता था, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर नजर आया करता था, किसका, सेल्स का। हाँ भाई कहाँ पहुंच गया, मुझे खुद नहीं पता कहाँ पहुंच गया, कहीं तो पहुंचेंगे, सफर खत्म होगा कहीं ना कहीं। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इन दिस माइक्रोस्कोप इस माइक्रोस्कोप के अंदर देखें इलेक्ट्रॉन्स बीम इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ एलिमिनेशन। देखिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो रिलीज होगा, वो यूज किया जाएगा एज अ सोर्स ऑफ एलिमिनेशन। देखिए यानी कि द इलेक्ट्रॉन बीम्स, इसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बीम इमिटेड, इमिटेड मींस रिलीज होना, ठीक है, वो रिलीज होगा किसके ऊपर पड़ेंगे, वो इलेक्ट्रॉन बीम ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर या स्पेसिमेन, स्पेसिमेन, स्पेसिमेन कोई भी हो सकता है या फिर आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ऐसे में जो इमेज है, इमेज है वो कहां पर नजर आएगा, स्क्रीन के ऊपर या फिर फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए तीनों में, इनमें एज अ सोर्स ऑफ एलिमिनेशन, सोर्स ऑफ एलिमिनेशन के तौर के ऊपर क्या यूज हो रही है इनके अंदर, इसके अंदर सोर्स ऑफ एलिमिनेशन के तौर पर इलेक्ट्रॉन बीम है, इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो रिलीज होता है कैथोड, जिसको आप कैथोड कहते हैं या फिर उसको आप क्या नाम देते हैं कैथोड के अलावा, कि ये एक आपके पास क्या है, यू कह लेंगे फोटोग्राफिक प्लेट्स होती है, वहां से ये इलेक्ट्रॉन बीम रिलीज होता है और आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है। और जब ये आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है तो अब ऑब्जेक्ट की जो इमेज होता है वो इमेज कहाँ जाता है, स्क्रीन के ऊपर या फोटोग्राफिक की फिल्म आ जाती है और उसका आप क्या निकाल लेते हैं, स्कैन आप उसके क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए तीनों हो गई, इसमें एज अ सोर्स ऑफ एलिमिनेशन लाइट यूज हो रही थी, इसमें एज अ सोर्स ऑफ एलिमिनेशन कौन यूज हो रहा था, शॉर्ट वेवलेंथ एक्सरेज यूज हो रही थी, और इसके अंदर एज अ सोर्स ऑफ एलिमिनेशन के तौर के ऊपर कौन यूज हो रहे थे, यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम यूज हो रहा था। तो ये तीन हो गई आपके पास। अब इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं मैग्निफिकेशन के ऊपर, कंट्रास्ट के ऊपर, रेजोल्यूशन के ऊपर, ठीक है, फिर इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे चलते हैं। बात आगे की बात कर रही हैं आप फिर से, हाँ 10x मैग्निफिकेशन लाइट माइक्रोस्कोप बताऊंगा सारा, पढ़ेंगे अभी इसके अंदर, टक्कर छा जी है थोके। सर बल्ब ऑफ करें, ऑफ कर दो बल्ब, मैंने तो ऑन करवाया, शायद नजर नहीं आ रहा होगा, ये वाला ऑफ होगा, ये रहन दो, ये वाला रहन दो, ये वाला, यही है ना बटन, अच्छा ये वाला था, अब सही है, देखो सही है, अभी सही है, अभी सही है, यस ठीक है, चलें ये इसको साफ करते हैं। मैग्निफिकेशन किसको कहेंगे, पावर ऑफ लेंस को, मैग्निफाई, आप जाते हैं ना किसी भी आई स्पेशलिस्ट के पास, जब आप अपने आईसाइट्स को चेक करवाते हैं तो जितनी ज्यादा आईसाइट आपकी वीक होती है उतने ज्यादा हैवी मैग्निफाइड लेंस आपको ग्लासेस के अंदर लगा के दिए जाते हैं। खैर फिजिक्स वाला ये बहुत अच्छे से बताएगा आपको, मैं तो सिर्फ उतनी नॉलेज दूंगा जितनी माइक्रोस्कोप के हवाले से, यानी कि बायोलॉजिकल साइंसेस में यूज करते हैं माइक्रोस्कोप को, जितनी नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। खैर मैग्निफिकेशन के ऊपर आते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या है,
इट इज द पावर ऑफ लेंस. मैग्निफिकेशन किसको कहा जाता है? पावर ऑफ लेंस को कहा जाता है कि लेंस की पावर, ठीक है ना. जितना ज्यादा मैग्निफाइड लेंस होगा उतनी ज्यादा छोटे से छोटी चीज को क्या कर देगा? बड़ा कर देगा. और बड़ा करके आप आसानी के साथ उसको क्या कर सकेंगे? ऑब्जर्व कर सकेंगे. तो मैग्निफिकेशन क्या कहलाती है? पावर ऑफ लेंस कहलाएगा आपके पास, ठीक है. अच्छा देखिए, इन लाइट माइक्रोस्कोप, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप ना, सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप में, यानी कि मैग्निफिकेशन इन लाइट माइक्रोस्कोप, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इज अप टू 10,000x. के लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस है वो कितनी होती है? अप टू 10,000x के करीब आपके पास क्या होती है? मैग्निफिकेशन होती है. अच्छा, मैग्निफिकेशन कैन बी कैलकुलेटेड. पावर ऑफ आईपीस, पावर ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको आप क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं. मैग्निफिकेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय, कैसे कैलकुलेटेड किया जा सकता है? देखें, पावर ऑफ मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई पावर ऑफ ऑब्जेक्ट. क्या आप इस मैग्निफिकेशन को आसानी के साथ क्या कर सकते हैं? बल्ब इरिटेट कर रहा है आपको, ठीक है जी, बंद कर देते हैं. सर आज केमिस्ट्री, हाँ केमिस्ट्री क्लास है 4:45 तक, जब तक आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा. अच्छा, पावर ऑफ आईपीस या पावर ऑफ मैग्निफिकेशन, अच्छा इसकी जगह ना मैग्निफिकेशन पावर ऑफ आईपीस कर लें. चले आईपीस, आईपीस या फिर लेंस की बात हो रही है कि लेंस की मैग्निफिकेशन की, कौन सा? ये वाला बल्ब, ये वाला सेवर कह रहे हैं, ये वाला सेवर कह रहे हैं. अभी सही है? अभी सही है? यस, ठीक है जी. आपके लिए मैंने ऑन करवाया कि नजर आए. अच्छा, उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे किसको? रेजोल्यूशन को. क्या रेजोल्यूशन क्या है? द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट is called resolution. It play key role in the observation of cell या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट हो सकता है, सेल हो सकता है, या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ठीक है. रेजोल्यूशन के बाद कंट्रास्ट. कंट्रास्ट क्या चीज है? तीन चीजें डिस्कस कर रहे हैं ना, मैग्निफिकेशन, रेजोल्यूशन और तीसरी चीज आपके पास क्या होगी? कंट्रास्ट. सर टाइम कौन सा है केमिस्ट्री क्लास का? मैंने अभी तो बिल्किस 4:45 का टाइम है, 45 मिनट मुझे और बर्दाश्त करना पड़ेगा आप. देखिए, व्हेन कंट्रास्ट क्या है? व्हेन डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है, सेल हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक्स वाई जेड, जिस किसी भी चीज के ऊपर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं या उसकी आप क्या कर रहे हैं? साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. बेशक वो क्रोमोसोम ही क्यों ना हो, एक्स वाई जेड कोई भी चीज हो. तो मैंने कहा कि व्हेन डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट डिफरेंशिएटेड और आइडेंटिफाइड,
different part of an object. Differentiated or identify is called contrast. देखिए ये क्या कहलाता है, कंट्रास्ट कहलाता है. फॉर दिस मैथड मैथड स्टैनिंग प्रोसेस. स्टैनिंग किसको कहते हैं, कलर को कहते हैं. स्टैनिंग प्रोसेस, स्टैनिंग के आगे मैं कलर लिखता हूं, कलर. देखिए इस मेथड के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टैनिंग प्रोसेस यूज करते हैं. आप देखते होंगे ना, स्लाइड्स देखते होंगे अमीबा की, पैरामीशियम की, कोई पिंक कलर में नजर आती है, कोई पर्पल कलर के अंदर आपको नजर आती है. वो आप क्या किया जाता है, बेसिकली उसके ऊपर स्टैनिंग मेथड किया जाता है. आप देखिए ना, आप देखें, आपने क्रोमोसोम्स की स्टडी की होगी. चले मैं आपको बताता हूँ, क्रोमोसोम की स्टडी की होगी. और क्रोमोसोम्स को जब डिस्कवर किया गया था ना, तो उस दौरान वाल्टर एक साइंटिस्ट था जिसने क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था. उसने एक डाई यूज की थी, अगर आपको याद हो परकिन एनालाइन की एक डाई उसने क्या किया था, यूज की थी. और उस डाई को डाला था, तो डालने के बाद क्या हो गया था, वो एरिया जहां क्रोमोसोम्स थे वो डार्क कलर के अंदर अपीयर हो गया था. और जब उसने ऑब्जर्व किया तो उसको आसानी से क्रोमोसोम नजर आ गए, क्योंकि क्रोमोसोम्स क्या थे, कलरलेस थे, उनका कोई कलर नहीं था. और वो बार बार आपके पास जो है, यानी कि उस सेल को रखता और उसमें क्रोमोसोम ऑब्जर्व करता, तो कलरलेस होने की वजह से क्रोमोसोम्स उसको आइडेंटिफाई नहीं हो पाते थे, डिफरेंशिएट नहीं कर पाता था. जब उसने डाई मतलब कलर को यूज किया, तो कलर यूज करने से वो कलरलेस एरिया था, वो कलर्ड हो गया, तो माइक्रोस्कोप के ऊपर आसानी से नजर आ गया. तो आप अगर सेल को स्टडी कर रहे हैं और सेल के डिफरेंट पार्ट की आप आइसोलेशन करना चाहते हैं, या उनको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, या उनको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, स्कैनिंग के मेथड को यूज करेंगे, कलर के मेथड को, कलर्स डालेंगे. जब आप कलर्स डालेंगे तो वो सेल के जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं वो डिफरेंट कलर्स को क्या कर लेंगे, अब्सॉर्ब कर लेंगे. और अब्सॉर्ब करने के बाद वो आसानी से ऑब्जर्व हो जाएंगे अंडर द माइक्रोस्कोप. और फिर आप उनको ऑब्जर्व करने के बाद में आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर उनको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा देखें इसके अंदर हमें कितने ज्यादा हेल्प मिल रही है बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इट कैन बी, आप क्या आज इसके अंदर कितनी हेल्प मिली कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी कैन बी स्टडीज इन बेटर वे. इस तरीके से आप डिफरेंट पार्ट्स जो हैं बॉडी के, उनको आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं. अच्छा उसके बाद अगर मजीद मैं इसके अंदर बात करूं, देखिए जो आपके पास लाइट माइक्रोस्कोप है, चले एक चीज और, लाइट माइक्रोस्कोप, ये एमसीक्यूज आ सकता है. लाइट माइक्रोस्कोप किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को कितना 500 टाइम बड़ा करके दिखा सकती है एज कंपेयर टू ह्यूमन आई के मुकाबले में. जो आप ह्यूमन आई जिस चीज को, जैसे कि सपोज करें, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि ये एक मार्कर है, मैं इसको आप या मैं अपने आई से देख रहा हूं, ठीक है ना. तो अगर हम इसको अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रखेंगे ना, तो ये हमारे या आपकी जो ह्यूमन आई ऑब्जर्व करी उसके मुकाबले में इस ऑब्जेक्ट के साइज को कितना 500 टाइम क्या कर देगी, बड़ा कर देगी, बड़ा करके दिखाएगी. जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करेगा, आप खुद अंदाजा कीजिएगा कौन सी एफिशिएंट माइक्रोस्कोप है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को नॉर्मल आई के मुकाबले में साइज कितना कर देगा उसका, 10,000 इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. देखें तो अब ये जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को ह्यूमन आई के मुकाबले में अगर उससे कंपेयर करें 10,000 टाइम क्या कर देगा, बड़ा कर देगा. तो अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि प्रॉपर स्टडी किसके अंदर की जा सकती है. देखिए डेवलपमेंट के साथ साथ जैसे जैसे फर्दर डेवलपमेंट होती गई, आपके पास ये आइडियाज चेंज होते गए. पहले लाइट आई माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप में सिंपल थी, फिर मॉडिफाई हो गई, तो आपके पास कंपाउंड हो गई, फिर और ज्यादा मॉडिफिकेशंस हुई बायोलॉजिकल साइंसेस में, तो एक्सरेज माइक्रोस्कोप आ गई, फिर और ज्यादा आपके पास मॉडिफिकेशंस हुई, तो फाइनल हमारे पास क्या मौजूद है, यानी कि आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इसकी मैग्निफिकेशन आप देख ले, साइज देखें कितना बड़ा कर देती है. तो अब अगर इसके ऊपर आप सेल को देखें, ऑब्जर्व करें, तो आप सेल के एक एक ऑर्गेनल्स को आसानी के साथ उसकी शेप को, उसके स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शंस को आप क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ
स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले, पानी पी लूं मैं जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। फ्रैक्शनेशन के ऊपर क्या है, बोर हो गए, बोर हो गए। ठीक है, मैं बंद करता हूँ फिर लेक्चर, आप लोग बोर हो गए फिर बंद करते हैं। जी बहुत ठीक है। अच्छा मिस, मीटिंग बंद कर, मीटिंग बंद कर, मीटिंग बंद कर दो। ठीक है बेटा, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज। ये लोग कह रहे हैं बोर हो गए, तभी मैंने कहा है सैफुल्ला, ये लोग कह रहे हैं बोर हो गए, सर बुरा मान गए। ले मैं क्यों बुरा मानूंगा भाई, मैं तो आपकी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ ना, पढ़ने वाले आप हैं, पढ़ाने वाला मैं हूँ। जब पढ़ने वाला बोर हो जाएगा तो पढ़ाने वाला क्या करेगा बेचारा, पढ़ाने वाला क्या करेगा। चटपटा नहीं, चटपटा नहीं है, टॉपिक भी चटपटे होते हैं क्या, जैसे आपको ठीक लगे सर। ठीक है जी, चलें कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अच्छा, अब उसके बाद आपके पास क्या है, आइसोलेशन ऑफ सेल, आइसोलेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, के अब आप सेल के कंपोनेंट्स को किस तरीके से आइसोलेट करेंगे। देखिए, सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और उन डिफरेंट कंपोनेंट्स की हम आइसोलेशन कैसे करेंगे। देखिए, इसके अंदर टेक्निक्स यूज की जाएंगी, टेक्निक टू आइसोलेट कॉम्पोनेंट ऑफ सेल्स। कैसे, टू डिटरमाइन द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ सेल, इट्स कॉम्पोनेंट्स आर आइसोलेटेड। तो देखिए, अब आप कैसे इसको, आप किसका नाम देंगे, फ्रैक्शनेशन का नाम देते हैं। ठीक है, चले मैं लिखता हूं यहां पर, इसको साफ कर दो, कल नहीं आऊंगा बस, बोर हो रहे हो ना तुम लोग, कल से नहीं है क्लास, बस तीन चार दिन तक ना, मैं भी अंदाजा कर रहा था, रोज रोज एक शक्ल देख के ये बोर हो जाते होंगे। ठीक है, पूरा वीक ही आ जाता हूँ, संडे का रेस्ट मिलता है, पहले तीन दिन आता हूँ, चार दिन छुट्टी, और चार दिन के बाद मिलेंगे इंशाल्लाह। फ्रैक्शनेशन क्या है, टू डिटरमाइन द केमिकल कंपोजिशन, कि देखिए इसके अंदर आप क्या करते हैं, आप डिटरमाइन करेंगे किसको, यानी कि केमिकल कंपोजिशन को, कि केमिकली सेल किन किन चीजों से कंपोज हुआ है, या केमिकली आपके पास क्या क्या चीजें मौजूद है। तो इसके लिए देखें, इट्स कंपोनेंट्स आर आइसोलेटेड। तो अब आप उस केमिकल कंपोजिशन को डिटरमाइन करने के लिए क्या करेंगे, उसके कॉम्पोनेंट्स को क्या करेंगे, आइसोलेटेड करेंगे। तो ये क्या कहलाता है, फ्रैक्शनेशन कहलाता है। ठीक है, its components are isolated। ये लैब के अंदर होता है और बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैथड है, बड़ा इंटरेस्टिंग मैथड है। ठीक है, its components are isolated called इसमें सेंट्रीफ्यूजन की जाती है, सेंट्रीफ्यूजन की जाएगी। कैसे सेंट्रीफ्यूजन की जाएगी, बड़ा सिंपल है, स्पिनर आपने देखा होगा, मुझे नहीं पता कि आपने कोई हाईफाई किस्म की लैब के अंदर काम किया या नहीं किया है। तो देखिए, हम क्या करते हैं, हम एक स्पिनर को यूज करते हैं, स्पिनर होता है, स्पिनर, स्पिनर क्या करता है, क्या है स्पिनर, क्या काम करता है स्पिनर, को हम इसके अंदर यूज करते हैं। जैसे सपोज करें, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ये एक क्या है, टेस्ट ट्यूब है,
ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर यानी कि सेल को लेके जाएंगे पहले, इसके अंदर क्या सेल को लेके जाएंगे पहले कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। तो होमोजेनाइजर मिक्सचर कंटेन किया जाएगा, ठीक है, होमोजेनाइजर मिक्सचर कंटेन किया, फिर उसके अंदर किसको डाल दिया, सेल को। अच्छा, सेल को पहले किस में लेके जाना है, सेल को पहले लेके जाना है कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर। अब कोल्ड एनवायरनमेंट में क्यों लेके जा रहे हैं, कोई मुझे बताए कि सेल के अंदर से ना डिफरेंट जो ऑर्गेनल्स हैं उनको अलग करना है सेपरेट, और जो न्यूक्लियस है उसको हमने क्या करना है, सेपरेट करना है। तो उसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो मैंने कहा सबसे पहले सेल को किस में लेके जाएंगे, वेरियस टाइप के सेल ले लें, आप एक टेस्ट ट्यूब में या कोई एक सेल ले लें, और उस सेल के अंदर से आप चाहते हैं कि सेल के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको आप सेपरेट करें, या सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको आप सेपरेट करें, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेल को एक कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है, एक होमोजेनाइजर मिक्सचर के अंदर। अब उसको कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर क्यों शिफ्ट किया जाता है, पता है आपको, आप पढ़ के आ चुके हैं, आप तो इस यहाँ पे तो आपका एक तरीके से रिवीजन हो रहा है, कोल्ड एनवायरनमेंट में क्यों शिफ्ट किया, चैट में बताएं मुझे जरा, मैं देखूं क्या आंसर आ रहा है। प्रोटीन डीनेचर हो जाए उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स बन जाएंगे किसके, प्रोटीन के, नहीं भाई सुने, ताकि सेल जिंदा रहे, जिंदा रहे या मुर्दा रहे उसके कंपोनेंट्स को निकाल लिए, सेल तो खत्म हो गया, फिर जिंदा और मुर्दा का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, देखो इधर एनिमल सेल की एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक सेल है, अच्छा चले ये सेल है ना, चले उस पर फिर बाद में बात करेंगे हम, मैं ज्यादा, ये सेल है, ये क्या है, इसके अराउंड अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया है, सेल कंटेन अ न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस सेमी फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट, ये क्या है इसका, प्रोटोप्लाज्म, इसमें यानी कि सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है, सेमी फ्लूइड लाइक, क्योंकि इसमें सॉल्यूट का अमाउंट भी मौजूद है, वाटर लाइक नहीं है, जेल लाइक सब्सटेंस है, वैसे ये साइटोप्लाज्म है या प्रोटोप्लाज्म, बातें की है जो आपको बेहतर लगे। अब देखिए ये सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है ना, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस, ठीक है। अब इसके अंदर ये डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं, चलिए सपोज करें कि मैं कहूं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक कौन मौजूद है, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद, ठीक है। फिर सपोज करें कि यहाँ पर इस तरीके से ये कौन मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है यहाँ पर, चले यहाँ पर क्या मौजूद है, ये गॉल्जी बॉडीज, इस तरीके से गॉल्जी बॉडीज मौजूद है, ये गॉल्जियन वैक्यूल्स है इसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया, ये गॉल्जी बॉडीज, गॉल्जी बॉडीज, ये गॉल्जी बॉडीज, ठीक है। अच्छा देखिए, इसको कोल्ड एनवायरनमेंट में इसलिए शिफ्ट किया जाता है कि इसका जब कोल्ड एनवायरनमेंट में जाएगा ना, तो इसके फ्लूइड के अंदर विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, यानी कि फ्रीज टाइप हो जाएगा, और मजीद क्या हो जाएगा, जल टाइप हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि